हाँ जी, कंज्यूमर. द नेक्स्ट टॉपिक गोज कंज्यूमर, जहां पे अपन लोग बात कर रहे थे अबाउट हु इज अ कंज्यूमर. अच्छा, कंज्यूमर के ऊपर अपना सबसे एक्सटेंसिव डिस्कशन हुआ था. बेटा, ऐसा इंसान जो गुड्स को कंज्यूम करता है एज अ कंज्यूमर, वन एंड द सिंपल थिंग. अच्छा, कोई ऐसा इंसान जो मेरी परमिशन, मैंने गुड्स खरीदे खुद के कंजम्पशन के लिए, मेरी परमिशन से यूज कर रहा है, क्या वो भी कंज्यूमर कहलाएगा? वी सेड यस. ऐसा इंसान जो गुड्स कंज्यूम करता है, ऐसा इंसान जो विद द परमिशन, विद द परमिशन गुड्स को यूज करता है, विद द परमिशन, कंज्यूमर की परमिशन से उन गुड्स को यूज करता है, वो भी आ जाता है कंज्यूमर की डेफिनेशन में. गोइंग अहेड. अच्छा, और कौन कौन कंज्यूमर की डेफिनेशन में आ सकता है? अच्छा बेटा, इज इट नेसेसरी टू पे कंसिडरेशन टू बिकम अ कंज्यूमर? नो. द कंजम्पशन के लिए, द पॉइंट ऑफ बींग कंज्यूमर इज द कंजम्पशन एंड नॉट द प्राइस. ठीक है, चलिए आ जाते हैं. देखिए, सबसे पहला, कंज्यूमर मीन्स एनी पर्सन हु buys any goods for a consideration which has been paid or promised to be paid. इसका मतलब क्या हुआ? कंज्यूमर बनने के लिए आपने अगर पेमेंट किया है या फिर इवन प्रोमिस किया है कि आप लोग बाद में चल के पेमेंट कर देंगे, इन दोनों ही केसेस के अंदर यू आर वेल इन टू द डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर. बेटा एक बात बताओ, आप पे करो या फिर आप प्रोमिस करो कि आप पे कर दोगे, दोनों ही चीज़ों में एक चीज़ आपको कॉन्स्टेंट दिख रही है कि कहीं ना कहीं पे आप लोग कंसिडरेशन देंगे, कुछ ना कुछ प्राइस देंगे. सो टू बिकम अ कंज्यूमर, वॉट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि जो गुड्स आप ले रहे हैं शुड नॉट बी फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट. एक सेकेंड ना, सेम फॉर सर्विसेस. हाँ जी, क्या बोल रहे थे आप? ए ने वो जो गुड्स लाए थे उसके पैसे दिए थे, उसने मांग के लाए थे ये, कुछ तो कहीं से तो कुछ गिफ्ट के लिए उसने. आपका क्वेश्चन है कि मैंने आपको कुछ गिफ्ट दिया और उसमें कुछ डेफिशिएंसी आई, तो आप क्लेम कर सकते हैं कि नहीं? बेटा क्या मैंने जब आपको ये गुड्स दिए, मैंने इन्हें खरीदा तो मैं कंज्यूमर था. कंज्यूमर से परमिशन लेके अगर कोई उन गुड्स को यूज़ करे तो गिफ्ट इज़ माय डीम्ड परमिशन टू यू, तो आप भी कंज्यूमर की डेफिनेशन में आ गए. तो क्या आप भी केस कर पाएंगे? हाँ, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं. आपने क्वेश्चन समझा, उन्होंने क्या बोला? जस्ट इन केस अगर मुझे कोई चीज़ गिफ्ट करता है और वो चीज़ ख़राब निकली, तो आप कंज्यूमर की डेफिनेशन में आएंगे या नहीं आएंगे? द आंसर इज़ वेरी वेल यस, आप आएंगे. क्यों बेटा? मैंने अगर आपको, निकिता आपको कोई गुड्स गिफ्ट किए, मैंने तो उन गुड्स को बाय किया होगा. यस. मैंने कंसिडरेशन दिया है. यस. तो एम आई अ कंज्यूमर? 100% मैं कंज्यूमर की डेफिनेशन में आ ही रहा हूं. और मैंने कंज्यूमर की डेफिनेशन का सेकंड पार्ट क्या बताया? कि कोई और इंसान जिसको क्या दी अपन ने, परमिशन दी है, वो भी अपना कंज्यूमर है. मैंने इनको गिफ्ट दिया, क्या ये मेरा एक डीम्ड अप्रूवल था? मेरी परमिशन थी इनको गुड्स यूज करने की, तो यस, इवन शी इज अ कंज्यूमर. श्योर इनफ. बढ़ते हैं आगे. बट अच्छा, एक सेकेंड, मैंने ना एक गुड्स खरीदे, मतलब बहुत सारे गुड्स खरीदे. लेट सपोज मैंने 10 TV खरीदी, एक मैंने निकिता को बेची, एक मैंने आभा को सेल करी, एक मैंने नौशिन को सेल करी. 3 TV सेल किए एंड TVs खराब निकले, कैन आई फाइल अ केस अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? गेट माई क्वेश्चन? आई रिपीट, आई हैव 10 TVs परचेस्ड फ्रॉम अ डीलर. एक टीवी मैंने निकिता को, एक आभा को, एक नौशिन को दिया. सो इन सच अ केस द TVs वर फॉल्टी, तीनों के तीनों TVs फॉल्टी निकले, तो क्या मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर जाके फाइल कर सकता हूँ केस? ये तीनों जा सकते, मैं नहीं. बेटा मैं क्यों नहीं जा सकता? हमने क्या बोला? सर आपने इन गुड्स को कंज्यूम किया क्या? नहीं, आप ये गुड्स लेके आए रीसेल करने के लिए. जबकि कंज्यूमर बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? कि उन गुड्स को आप कंज्यूम करोगे. ये टीवी कौन कंज्यूम करने वाला था? आभा, इनके इस नौशीन एंड निकिता. अगर इनको कोई प्रॉब्लम आई तो ये कंज्यूमर है, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर जाएंगे, मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर नहीं जा सकता. यहाँ तक ठीक है. अच्छा, एक और चीज़ मैंने आपसे डिस्कस की थी जिसके बाद ये पूरा कवर हो जाएगा. बेटा अगर आप मेरे पास आए कोई सर्विस लेने, विच आई गेव यू फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, आई डिडंट चार्ज यू, बट यू आर नॉट हैप्पी विद द सर्विस प्रोवाइडेड बाई मी, इन सच अ केस कैन यू फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट मी अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? नहीं. क्यों?
अभी जस्ट क्या बोला, इट शुड नॉट बी फ्री ऑफ कॉस्ट. अगर कोई चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बोलता है कि मैं आपको प्रोटेक्शन नहीं दे सकता, क्योंकि अगला बंदा ऑलरेडी अपनी इच्छा से आपके लिए काम कर रहा था, आपसे पैसे नहीं ले रहा था, तो आप कंज्यूमर बनने के लिए क्वालिफाई नहीं होते. बेटा वापस से, पेमेंट करना इंपॉर्टेंट नहीं है. इट्स नॉट द पेमेंट विच इज इंपॉर्टेंट. वॉट इज इंपॉर्टेंट इज दैट इज द गुड वॉट यू आर टेकिंग इज फॉर सम काइंड ऑफ कंसिडरेशन. आज पे करो या बाद में करो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कंज्यूमर बनेंगे. मैंने कल एक एग्जांपल दिया था, मान लीजिए घी का डब्बा खरीदा अपन ने, घी एडल्ट्रेटेड निकला और मैंने उधार पे घी खरीदा था, तब भी मैं कंज्यूमर हूँ. बेटा मैंने पे किया हो या ना किया हो, आज नहीं तो कल तो मुझे पे करना ही है ना. तो क्या पेमेंट इंपॉर्टेंट है या कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट है? इट्स द कंसिडरेशन विच इज इंपॉर्टेंट. आप बाद में भी दें तब भी वो कंसिडरेशन वैलिड ही माना जाता है. ठीक है, एकदम आ जाओ. सेकेंड बेटा, पहला पॉइंट गुड्स के लिए है, तो दूसरा पॉइंट किसके लिए होगा? सर्विसेज, बिकॉज कोपरा इंक्लूड्स गुड्स एंड सर्विसेज बोथ. बेटा नेक्स्ट लाइन डिट्टो छपी हुई है, खाली जहां गुड्स लगाया उसको हटा के मैंने सर्विसेज लिखा है, देख लो. हायर्स और अवेल्स ऑफ एनी सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन विच हैज बीन पेड और प्रोमिस टू बी पेड बट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु अवेल ऑफ सच सर्विस फॉर एनी कमर्शियल पर्पस. अगर किसी को कमर्शियल पर्पस याद नहीं रहता तो ब्रैकेट में लिख लीजिए फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल. सिंपल आहे. इट हैज बीन क्लैरिफाइड दैट द टर्म कमर्शियल पर्पस डज नॉट इंक्लूड. अच्छा एक सेकंड बेटा, मैंने आपसे ना कल एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था, इफ यू गाइज रिमेंबर दिस. मैंने कहा था कि यार मैंने एक मशीनरी खरीदी है जिससे मैं अपना डेली लाइवलीहुड अर्न करता हूँ, और उस मशीन को चलाने के लिए मेरे को एक आध जने की हेल्प लगी ताकि मैं उस मशीन को यूज़ कर पाऊँ अपना लाइवलीहुड मेंटेन करने के लिए, और वो मशीन ख़राब हो जाती है. विल आई बी अ कंज्यूमर और नॉट? यस. आपने बोला सर हो गए, क्यों? क्योंकि वो मशीन आप खुद के कंजम्पशन यूज़ कर रहे हो. मैं मशीन खरीद के मशीन की मशीन थोड़ी बेच रहा था, मैंने उस मशीन को क्यों यूज़ किया? खुद के कंजम्पशन के लिए. इसी जगह पे मैंने मल्टीपल मशीन्स खरीदे और उस पे मुझे हेल्प नहीं करने के लिए प्रॉपर एम्प्लॉई अपॉइंट किए हैं उस मशीन को चलाने के लिए, उसे ऑपरेट करने के लिए, उससे अर्न करने के लिए, क्या अब मैं कंज्यूमर की डेफिनेशन में आऊंगा? आपने बोला अब नहीं आएगा तू कंज्यूमर की डेफिनेशन में. सो जब लाइवलीहुड की बात आती है ना, तो अगर आप कोई गुड्स लेके आए हैं जिससे आप अपना लाइवलीहुड मेंटेन करने वाले हैं और सिर्फ खुद उसे यूज कर रहे हैं या एकाध जने की मदद से उसको यूज कर रहे हैं ताकि आप अपना लाइवलीहुड सर्वाइव कर पाए, कंप्लीटली अ कंज्यूमर. हाउएवर बड़े स्केल पे काम कर रहे हो, ज्यादा लोगों को अपॉइंट कर दिया, वोंट बी क्वालिफाइड टू कम अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986. सिंपल इनफ. यही लाइन आगे दी गई है जो मैंने आपको अभी समझाई. देखो, इट हैज बीन क्लैरिफाइड दैट द टर्म कमर्शियल पर्पस डज नॉट इंक्लूड यूज बाय अ कंज्यूमर ऑफ गुड्स बॉट एंड यूज्ड बाय हिम एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग हिज लाइवलीहुड बाय मींस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. हाँ जी, एक सेकेंड, आई एम सो सॉरी यार, मैंने एक मिनट हल्का सा गलत बोल दिया. It has been clarified that the term commercial purpose does not include, मैंने गलती से बोल दिया, does not include जब आप उससे business करने जा रहे हो. आगे जो केस है जो मैंने समझाया वही आने वाला है, मैंने पहले बता दिया आपको वो चीज़. Therefore, to be a consumer, the goods or services must have been purchased or hired or availed or for consideration which has been paid in full or in part or under any system of deferred payment, that is in respect of higher purchase transaction. आपने service ली higher purchase के लिए. सेकेंड, गुड्स परचेस्ड शुड नॉट बी मेंट फॉर रीसेल. आपने जो गुड्स लिए वो रीसेल के लिए नहीं होने चाहिए, और फॉर अ कमर्शियल पर्पस. गुड्स परचेस्ड बाय डीलर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ हिज बिजनेस एंड दोज विच आर इन द कोर्स ऑफ हिज बिजनेस टू सप्लाई वुड बी डीम्ड टू बी फॉर रीसेल. आपने गुड्स लिए आगे सप्लाई करने के लिए, ये सब किसके अंदर आ जाएगा? रीसेल के अंदर आ जाएगा. थर्ड, इन एडिशन टू परचेजर्स ऑफ गुड्स और हायरर्स और यूजर ऑफ सर्विस एनी बेनिफिशियरी, इसका कोई फायदा उठाने वाला इंसान है, ऑफ सच सर्विसेज यूजिंग द गुड्स और सर्विसेज विद द अप्रूवल ऑफ द परचेजर. मतलब आपने कंज्यूमर से परमिशन लेके खुद गुड्स को यूज किया है तब भी आप उसके अंदर आएंगे? आएंगे. ऑफ द परचेजर और हायरर और यूजर वुड ऑल्सो बी अ डीम्ड कंज्यूमर. तो मेरे को कोई गुड्स मिले थे, मुझे कोई सर्विस मिले थे, मैंने गुड्स या सर्विस चैत्राली को दे दिए, शी इज अ बेनिफिशियरी, क्या वो भी कंज्यूमर की डेफिनेशन में आ जाएगी? आएगी. अभी केस देखो, लक्ष्मी इंजीनियरिंग वर्क्स वर्सेज इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट. सुप्रीम कोर्ट ने क्या समझाया इस नेचर को क्लियर करने के लिए, जो लाइवलीहुड वाला डिस्प्यूट मैंने आपको पहले बताया. इट ऑब्जर्व दैट वेदर द पर्पस फॉर विच अ पर्सन हैज बॉट गुड्स इज कमर्शियल पर्पस इज ऑलवेज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट. मतलब कि कोई स्टैटटरी डेफिनेशन नहीं है कि कमर्शियल पर्पस है या नहीं है, ये बड़ा क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है. क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का मतलब क्या होता है?
अलग अलग जगहों पे अलग अलग जजमेंट्स आएंगे कि कब आप कंज्यूमर कहलाएंगे कब नहीं कहलाएंगे। लक्ष्मी इंजीनियरिंग वर्क्स में जो बेटा मैंने अभी आपको केस बताया वही था, देखो कहाँ गया, कमर्शियल पर्पज इज ऑलवेज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड टू बी डिसाइडेड इन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस ऑफ ईच केस। इफ द कमर्शियल यूज इज बाय परचेजर, देखो इफ द कमर्शियल यूज इज बाय द परचेजर हिमसेल्फ फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग हिज लाइवलीहुड बाय मीन्स ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट such purchaser of good would yet be a consumer। जो मैंने आपको बताया कि आपने मान लीजिए एक मशीनरी ली है खुद के लिए, खुद का लाइवलीहुड लेने के लिए, कम्प्लीटली आप कंज्यूमर की डेफिनेशन में आओगे एंड दिस इज द प्रूवन केस जो हर जगह फॉलो होता है। अच्छा इसके आगे देखना, इसने क्या बोला, मैंने एक और चीज़ क्या बताई थी कि अगर इस मशीन को असिस्ट करने के लिए आपने एक दो लोग और अपॉइंट किए क्या तब भी आप कंज्यूमर में आएंगे। देख लो, द सुप्रीम कोर्ट फर्दर ऑब्जर्व्ड दैट इफ अ पर्सन परचेज्ड अ मशीन टू ऑपरेट इट himself for earning his livelihood he would be a consumer। If such person took the assistance of one or two person to assist him in operating the machine he would still be a consumer। आपने उस मशीन को असिस्ट करने के लिए, उससे बिजनेस नहीं कर रहे उसको सिर्फ असिस्ट करने के लिए एक दो लोगों की और हेल्प लिए तब भी आप कंज्यूमर ही हैं। पर अब एक सेकेंड आगे देखना, बट इफ अ पर्सन परचेजेज अ मशीन एंड अपॉइंट्स और एंगेज अनदर पर्सन टू ऑपरेट द मशीन, आप असिस्ट नहीं करवा रहे हो, आप तो बोल रहे हो तेरे को मशीन लेके दे रहा हूँ तो उसको ऑपरेट कर प्रॉपरली प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, देन सच पर्सन वुड नॉट बी अ कंज्यूमर। तो अब आपने देखा कितना कितना वेग कर दिया इन लोगों ने कंज्यूमर की डेफिनेशन को, फैक्ट टू फैक्ट चेंज करते हुए क्या बता रहे हैं। अगर आप किसी चीज़ को खुद के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए लाए हो, मतलब मान लीजिए मैं इससे बेस्ट एग्जाम्पल नहीं दे सकता अभी के लिए, मैं सुई धागा मूवी देखी आपने नहीं देखिए, बहुत बढ़िया आप लोग इंटेलिजेंट है, मैंने देख ली गलती से इसलिए एग्जांपल देता हूँ। अच्छा सुई धागा मूवी में आपने एक सिलाई मशीन ली, सिलाई मशीन लेके आपने खुद के सेल्फ कंजम्पशन के लिए उसको लेके आए और रोज बैठ के वो कपड़े सीता था, ठीक है एकदम। अच्छा आप मशीन ले रहे हो, मशीन से गुड्स बनाओगे गुड्स बेचोगे, बट माई पॉइंट वो खुद के लाइवलीहुड के लिए एक छोटी सी मशीन लाया था और खुद ही उसको यूज़ करता था, मतलब प्रॉपरली खुद ही उसको कंज्यूम कर रहा था, विल ही बी अ कंज्यूमर और नॉट। आपने बोला यस सर, लक्ष्मी इंजीनियरिंग मिल्स के अंदर यही जजमेंट आया है कि अगर आप कोई चीज़ लाते हो खुद के यूज़ के लिए। अच्छा एक सेकेंड यार, वो बेचारा पूरे दिन मशीन नहीं चला पाता, उसने एकाध जने को अपने को हेल्प करने के लिए असिस्ट करने के लिए अपॉइंट किया है कि यार कभी कभार तू भी हेल्प कर दिया कर, मतलब जो छोटे ऑड इवन काम है मशीन को लुब्रिकेट करना धागा डाल देना थोड़ी सी देर तू चला लेना, क्या तब भी ये मशीन कंज्यूमर की डेफिनेशन के अंदर आएगी? बिल्कुल आएगी, ये बंदा तब भी कंज्यूमर में आएगा। इसी जगह पे इस बंदे ने 100 मशीन्स खरीदी, 100 लोगों को वहां पे लगाया, एंगेज किया कि तुम काम करो प्रोडक्ट बनाओ बेचते जाओ, नाउ विल ही क्वालिफाई टू कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर? वी सेड नो, अब नहीं आओगे। अच्छा दोनों में कोई फर्क नहीं है, खाली स्केल ऑफ बिजनेस का फर्क रखा और पहले वाले में मैं खुद उस बंदे को सेल्फ एम्प्लॉय कर रहा था। तो यहां पे बात समझना, आप कंज्यूमर में क्यों आ गए? क्योंकि उस मशीन को आप खुद के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए यूज़ कर रहे थे और खुद यूज़ कर रहे थे, हेंस आप उन गुड्स को कंज्यूम कर रहे थे, इसीलिए हमने आपको कंज्यूमर की डेफिनेशन में लाया। पर इसी जगह जब आप गुड्स लाए, एक नए बंदे को अपॉइंट किया और आपने बोला एक्सक्लूसिवली तू उसको यूज़ कर, क्यों? ताकि तू इससे गुड्स बनाए और सेल करेगा। हमने बोला नहीं, अब तू कंज्यूमर नहीं है। क्यों? क्योंकि लाइवलीहुड तो वैसे ही हम बोलते हैं कि तुम रीसेल के लिए कोई चीज़ ला रहे हो तो कंज्यूमर में नहीं आते, ये तो हमने कब तुझे कंज्यूमर मान लिया? जब तू उन गुड्स को लाया, खुद तूने यूज़ किया खुद का लाइवलीहुड मेंटेन करने के लिए, तब हमने तुझे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कवर किया। यहाँ तक श्योर है? अच्छा किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि सर यार जो एक्सक्लूसिवली किसी और को अपॉइंट करके भी काम करवा रहा है उसके साथ भी तो गलत हो रहा है, अगर मशीन ख़राब हो गई तो आप उनको कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर क्यों नहीं ला रहे? हमने बोला कि आपको प्रोटेक्शन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर नहीं मिलेगा, आपके पास इतने अदर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स है जो आपको प्रोटेक्शन दे सकता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन बोल रहा है कि समझ इंडिया के अंदर आदमी कम औरत कम तीसरा जेंडर भी ले आओ कुछ भी ले आओ, चाहे आप इनको गिनोगे तो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, बट एवरी वन इज़ अ कंज्यूमर, एवरी वन इज़ अ कंज्यूमर। अगर मैंने स्पेसिफिकली कुछ लोगों को एक्सक्लूड नहीं किया कंज्यूमर की डेफिनेशन के अंदर से तो कोपरा ओवरलोड हो जाएगा, तो हमको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा हु शुड बी आर कंज्यूमर एंड हु शुड नॉट बी आर कंज्यूमर। हेंस हमने अपनी लिमिटेबिलिटी लाई कि जो गुड्स कंज्यूम करें वही केस करें, एज सिंपल एज दैट, जो गुड्स कंज्यूम करें वही केस करेगा, बात खत्म। चलिए केस एकदम क्लियर है बेटा, चलते हैं आगे। एक और केस है बेटा, भूपेंद्र जंग बहादुर गुना वर्सेज रीजनल मैनेजर एंड अदर्स।
द नेशनल कमीशन हेल्ड दैट अ ट्रैक्टर, अच्छा आप इसका जजमेंट कोशिश करो देने की, खाली फैक्ट पढ़ना, दैट अ ट्रैक्टर परचेज प्राइमरली टू टिल द लैंड, अच्छा खाली अपनी खुद की जमीन क्या बोलते हैं उसको जोतने के लिए अगर आपने ट्रैक्टर लिया है, तो ऐसे केस के अंदर क्या आप कंज्यूमर हैं या नहीं? पक्का खाली खुद के लैंड? अच्छा एक सेकेंड, मैंने ये ट्रैक्टर रेंट पे देना चालू कर दिया लोगों की जमीन पे जाके सेम हार्वेस्टिंग करने के लिए, अब नहीं, आपने कहा ओए तू जब ये मशीन खुद के लिए लाया था ना तो तू खुद का लाइवलीहुड अर्न कर रहा था, मैंने अलाउ किया, जब तू इसको रेंट आउट करने लग गया ना अब तू कंज्यूमर नहीं रहा, जैसे ही रेंट आउट करना चालू किया तू कंज्यूमर की डेफिनेशन से बाहर हो गया, खुद के लिए यूज कर रहा था चलेगा। अच्छा एक सेकेंड, इस ट्रैक्टर को चलाने के लिए मैंने हार्दिक को अपॉइंट किया, मैं हार्दिक तू चलाया करे ट्रैक्टर, पर किसकी? मेरी जमीन पर ही, अभी भी मैं कंज्यूमर हूं, बिल्कुल हूं। हार्दिक को ड्राइवर बना के चैत्राली की जगह पे भेज दिया कि अब तू उसके वहां पे भी जाके आराम से हार्वेस्टिंग करके, अब नहीं होगा, क्यों? आप लेट आउट कर रहे हो किसी चीज को, पहले तक आप सेल्फ कंजम्पशन कर रहे थे। आर वी श्योर इनफ? लेट्स रीड दिस केस। द नेशनल कमीशन हेल्ड दैट अ ट्रैक्टर परचेज प्राइमरली टू टिल द लैंड ऑफ द परचेजर एंड लेट आउट ऑन हायर ड्यूरिंग द आइडल टाइम टू टिल द लैंड्स ऑफ अदर्स वुड नॉट अमाउंट टू कमर्शियल यूज। अब देखो इसने क्या किया, इसने बोला, नेशनल कमीशन ने क्या बोला, आपने ट्रैक्टर परचेज किया प्राइमर रीजन, मतलब मेन रीजन क्यों? टू टिल द लैंड ऑफ द परचेजर, मैक्सिमम टाइम सिर्फ खुद की लैंड को हार्वेस्ट करने के लिए, एंड लेट आउट ऑन हायर ड्यूरिंग द आइडल टाइम, जब मेरी ट्रैक्टर फ्री पड़ा हुआ है मैंने किसी और को बोला खाली इस टाइम के लिए तू मेरे ट्रैक्टर को यूज करना, बाकी मुझे वापस देके चले जाना, क्योंकि इसका प्राइमरी पर्पस क्या है? मेरी जमीन पे हार्वेस्टिंग करना। तो ऐसे केस में हमने क्या बोला? वुड नॉट अमाउंट टू कमर्शियल यूज। क्यों? क्योंकि बेटा इसका बिजनेस कमर्शियल यूज नहीं था। देखिए ट्रैक्टर, ठीक है, यू हैव परचेज द ट्रैक्टर, जिसका प्राइमरी पर्पस क्या है? अपनी ओन लैंड पे हार्वेस्टिंग करना। यहां तक साथ में? प्राइमरी टास्क यही है। पर कभी कभार जब वो फ्री होता है, सिर्फ नॉर्मल टाइम्स में जब वो फ्री होता है इन इट्स सेकेंडरी एक्स्ट्रा टाइम, तब आप उसको क्या कर रहे थे? रेंट आउट कर रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि ऐसे केस के अंदर ही विल स्टिल बी अ कंज्यूमर। बेटा क्यों कंज्यूमर है? क्योंकि इस ट्रैक्टर का प्राइमरी पर्पस क्या है? द प्राइमरी पर्पस इज स्टिल टू वर्क ऑन योर ओन लैंड। और इस ट्रैक्टर को खरीदने का रीजन ये नहीं था कि आप इससे कुछ कमा लो, इससे आपका काम यही था कि आप अपनी बेसिक लाइवलीहुड कर लो, क्योंकि कुछ टाइम फ्री पड़ा हुआ है तो आपने यूज कर लिया। नाउ इसका एक और एग्जाम्पल अपन रियल लाइफ में लेते हैं। अपन ने प्रोजेक्टर परचेस किया कल कि हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। द प्राइमरी पर्पस ऑफ दिस प्रोजेक्टर इज टू यूज बाय अस टू टीच यू। 12 घंटे प्रोजेक्टर ऑन रहता है आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है। अब मान लीजिए कि जब ऑफ टाइम होता है, जब आपके एग्जाम्स होते हैं, तभी हमारा प्रोजेक्टर फ्री पड़ा हुआ है 15-20-25 दिन के लिए, तो हमने प्रोजेक्टर बगल वाली क्लास में किसी को दे दिया कि सर आपको जरूरत है 15 दिन आप यूज कर लो, 15 दिन बाद वापस दे जाना। वो लेके गए इस प्रोजेक्टर को, एंड दैट टाइम द प्रोजेक्टर वॉज नॉट वर्किंग और खराब हो गया। कैन आई गो अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट टू फाइल अ केस एज बींग अ कंज्यूमर और नॉट? द आंसर इज येस। वाई नो? गिव मी वन गुड रीजन वाई नो। मेरे इस प्रोडक्ट को खरीदने का रीजन प्रोजेक्टर को बेचना था या रेंट आउट करना था क्या? नहीं। मेन ऑब्जेक्ट क्या था? आपको पढ़ाने का था। मैं इसको कंज्यूम भी कर रहा था, यस। सिर्फ मैंने क्या किया, मेरे इन गुड्स को तब जब मेरे आइडल टाइम में किसी को यूज करने दिया। अब दिमाग लगाओ, ये मेरा आइडल टाइम में पड़ा हुआ था, एंड हम उसको भी कंज्यूमर मानते हैं जब आप किसी को अपनी इच्छा से यूज करने के लिए गुड्स देते हो। कैन आई गिव यू माई फोन टू यूज? कंप्लीटली यस। एंड यू डिस्ट्रॉयड इट? अच्छा, यू डिस्ट्रॉयड इट इन द सेंस कि आपके हाथ में वो फोन खराब हो गया, क्या तब भी अपन उसको कंज्यूमर की डेफिनेशन में ला रहे थे? यस, आप लेके आ रहे थे। मैंने कार खरीदी, कार का नंबर वाइट प्लेट में, मतलब प्राइवेट कार है, मैं उसको चलाता हूँ, रोज यहाँ पे आता हूँ, आराम से जाता हूँ, ठीक। हार्दिक केम डाउन एंड सेड कि यार सर आप अभी कुछ दिन के लिए राजस्थान जा रहे हो तो आपकी गाड़ी यहाँ पे आइडल पड़ी रहने वाली है 10 दिन। मैंने कहा हाँ 10 दिन आइडल है। इसने कहा सर मेरे को दे दो। मैं कह रही थी हार्दिक मेरी गाड़ी दूंगा तो मैं तो पैसे लूँगा, फ्री में नहीं दूंगा।
इसने कहा मंजूर कितने चाहिए? मैं कहा दोस्ती व्यवहार की बात है, 10 दिन गाड़ी फ्री पड़ी है, 500 रुपये पर डे दे देना, मतलब 5,000, और बाकी डीजल वीजल तू डला के गाड़ी चलाता रहना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसने गाड़ी ली, 5वें 7वें दिन गाड़ी ख़राब हो गई। तो क्या मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर नहीं जा सकता ये कहते हुए सुजुकी को कि यार मेरी गाड़ी कैसे ख़राब हो गई? 100% जा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने जब भी गुड्स खरीदे थे ये मैंने खुद के पर्सनल प्रोसेस के लिए खरीदे थे। हाँ, मेरा दोस्त गाड़ी चला रहा था, अब मैं उसको फ्री में दूँ या फिर पैसे लेके दूँ, क्या दोनों ही केसेस में इस चीज़ का प्राइमरी पर्पस तो मेरा पर्सनल कंजम्पशन ही था? तो इसी टाइम पे कोर्ट ने क्या डेवलप किया कि अगर सिर्फ सेकेंडरी पर्पस के लिए आप कभी कभार गुड्स को इधर उधर दे भी देते हो तब भी आप कंज्यूमर की डेफिनेशन में आओगे। इट्स नॉट कंपलसरी कि भाई आपने बिल्कुल ही रेस्ट्रिक्टिवली खुद के पास रखना और नहीं किसी और को यूज ही नहीं करने देना। पर बेटा इसी जगह पे अगर ये केस कुछ ऐसा होता कि मेरे फर्म का नाम क्या है, हरीश ट्रैक्टर वाला लिमिटेड, यहां पे सभी प्रकार के ट्रैक्टर मिलते हैं, ये मेरे लाइन है ट्रैक्टर फॉर सेलिंग एंड रेंटिंग पर्पस। फिर मैंने इस ट्रैक्टर को आपको क्या कर दिया, रेंट कर दिया, क्या अब मैं कंज्यूमर की डेफिनेशन में आऊंगा? आपने कहा नहीं। क्यों? क्योंकि इस बार प्राइमरली आपका बिजनेस ही क्या है, ट्रैक्टर को रेंट आउट करना, ट्रैक्टर को यूज करना फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग, इसीलिए आप कंज्यूमर की डेफिनेशन में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि बेटा यहां पे आपका प्राइमरी पर्पस ही क्या दिख गया, सेलिंग एंड रेंटिंग का, तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन से हट गए। पर ऊपर वाले केस में आपका प्राइमरी पर्पस क्या था, फॉर योर ओन पर्पस। सो इफ यू यूज इट फॉर योर ओन पर्पस एंड समटाइम्स यू डोंट यूज इट फॉर योर ओन पर्पस, कंप्लीटली अलाउड टू बी अ कंज्यूमर, याद रहेगा केस। सेकेंड केस है, केस का नाम क्या है, भूपेंद्र जंग बहादुर गुणा वर्सेज रीजनल मैनेजर एंड अदर्स। अच्छा देखो, आप इतने नाम याद नहीं रखने वाले, फैक्ट्स तो याद रख सकते हो, द पर्पस इज अभी फैक्ट्स याद रखो। फिर अपन क्या करेंगे, हर टॉपिक के अंदर कुछ 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 केसेस के नाम सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम एक में केस का नाम यूज करेंगे, समझाएंगे, फिर उसके बाद इन अनादर केस द सेम जजमेंट वॉज अपहेल्ड वेन अ पर्सन परचेज द ट्रैक्टर फॉर हिज ओन यूज एंड समटाइम्स गिव इट टू लेट आउट इन सच अ केस ही वॉज स्टिल हेल्ड अ कंज्यूमर, ये तो बोल ही सकते हो ना आप। तो हम केस का नाम एक ही याद रखेंगे, पर इस नोट्स के अंदर आप मान के चलो आपको 10 से 15 केस के नाम याद करने ही है, तैयार रहना। जिसमें से लक्ष्मी वाला तो आपको रखना है, लक्ष्मी इंजीनियरिंग वर्क्स वाला, तो पहले ही उसको स्टार मार्क कर लो कि वो केस मेरे को आंसर्स में चाहिए जब मैं आपको टेस्ट दूंगा। अविशोर, नेक्स्ट अप आर द गुड्स। व्हेन यू वर टॉकिंग अबाउट द गुड्स, लेट्स स्टार्ट। गुड्स का मतलब क्या होता है बेटा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर जो गुड्स पढ़ाया है, डिट्टो छाप देना। सेल्स ऑफ गुड्स के हिसाब से गुड्स क्या है, क्या एनीथिंग विच इज मूवेबल इज गुड्स, यस। अच्छा, ग्रोइंग टिम्बर, ग्रास, यस, ऑल इज गुड्स। जो अपन ने सेल्स ऑफ गुड्स में पढ़ा वो सब कुछ यहाँ पे भी गुड्स है। अच्छा, एक सेकेंड, एक्शनेबल क्लेम नहीं, क्योंकि सेल्स ऑफ गुड्स के अंदर अपन ने क्लियरली बोला एक्शनेबल गुड्स आर नॉट गुड्स। शेयर्स, शेयर्स गुड्स आता है। मनी, नो, मनी इज नॉट गुड्स। सो आर वी क्लियर, जो सेल्स ऑफ गुड्स के अंदर गुड्स वो हमारे यहाँ गुड्स, देख लें। इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 2(1) क्लॉज आई हैज बीन डिफाइंड टू मीन गुड्स एज डिफाइंड इन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। कोपरा क्या बोल रहा है, मेरे हिसाब से गुड्स क्या है, जो सेल्स ऑफ गुड्स के हिसाब से गुड्स है, बात खत्म। मैंने खुद की डेफिनेशन ही नहीं दी, तो कोपरा ने गुड्स की डेफिनेशन नहीं दी। इट स्टेटेड टेक द डेफिनेशन ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, कॉपी पेस्ट हियर। फाउंडेशन में सबने सेल्स ऑफ गुड्स पढ़ा था, एग्जीक्यूटिव में वापस पढ़ लिया। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम। बेटा क्यों एक्शनेबल क्लेम, जिन लोगों ने मुझसे अभी तक पढ़ लिया सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, मैंने क्या लॉजिक दिया था, व्हाई डू यू नॉट कंसिडर एक्शनेबल क्लेम एज गुड्स? हाँ नौशीन, प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट है, बात समझना। मैं परम से 200 रुपये मांगता हूँ, मेरा क्लेम है बाकायदा, अगर इसने पैसे नहीं दिए तो इसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, इसकी फीस में 200 रुपये ऐड कर देंगे, बट 200 रुपये तो अब मैं वसूल करूँगा। दिस इज अ क्लेम अगेंस्ट विच आई कैन टेक एक्शन। अच्छा, मैंने क्या किया ना, मैं हार्दिक के पास गया, मैं हार्दिक सुन 200 रुपये मेरे को दे, तेरा वैसे ही उससे राड़ा है ना परम से, जाके धो निकाल ले 200 रुपये। आपने कहा अबे ये तेरे और परम के बीच का कॉन्ट्रैक्ट था, यू हैड द राइट टू टेक एन एक्शन अगेंस्ट हिम, यू हैव द राइट टू फाइल अ केस अगेंस्ट हिम। हु इज हार्दिक टू कम इन बिटवीन एंड फाइल अ केस अगेंस्ट परम?
I can't sell my actionable claim. But again, actionable claim mein kya main iske khilaf action le sakta hu? Yes, it is very well everything movable, but it is not sellable. Actionable claim cannot be sold. Yaad rahegi baat? Pakka. Kabadi? Oh, kabadi. Ye kitna hai? Dekha? Galat bol rahi. Yahan ishara kar rakha tha maine. Chalo. Pakka dhyan hai? Kya pad rahe the beta apan? Better. And money. To beta actionable claim or money kabhi bhi buy nahi kar sakta. Aap kabhi ja ke kisi dukaan bolte ka 500 rupaye ke 500 ka note dena? Nahi na? As simple as that. इससे ज्यादा मैं क्लियर नहीं बोल सकता. आप मनी नहीं परचेज करते. एंड इंक्लूड्स स्टॉक एंड शेयर्स. तो आप शेयर्स खरीद सकते हैं, वो गुड्स हैं एकदम. ग्रोइंग क्रॉप्स. अच्छा एक सेकेंड. ग्रोइंग क्रॉप, ग्रास एंड थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड. बेटा ये तब तक मूवेबल नहीं बनता जब तक इन्हें कट, दैट इज सीवियर ना कर दिया जाए. तो हम क्या बोलते हैं, ग्रोइंग क्रॉप, टिम्बर, ग्रास, ये कब मूवेबल बनता है? जब इनको अपन जमीन से अलग कर देते हैं. तो देख लो क्या लिखा अपन ने. Growing crop, grass, things attached to forming part of the land, which are agreed to be severed. Severed का मतलब होता है cut करना, which is agreed to be severed before sale or under the contract of sale. Therefore, most consumer products come under the purview of the definition. So everything which is movable is coming under the definition of COPRA, is coming under the definition of sales of goods act. सिर्फ मुझे इतना बता दो, कौन सी दो चीजें हैं जिनको अपन goods के अंदर नहीं लाए? पहला actionable claim, दूसरा मनी. इन दो चीजों को छोड़ दो, बाकी सबको स्ट्रेट अवे क्या डाल देना, गुड्स में. अच्छा एक सेकेंड. अ टिम्बर, स्टैंडिंग टिम्बर विच इज नॉट येट सीवर्ड, नाइदर वी हैव अग्रीड कि इसको काटा जाएगा. क्या अभी वो गुड्स की डेफिनेशन में आ रहे हैं? नहीं. वो गुड्स की डेफिनेशन में कब आएंगे? काटने पे, या फिर आपने अग्री कर दिया है कि सेल करने से पहले आप इसको कट करेंगे, उसके बाद ही सेलिंग करेंगे. चले श्योर बेटा, किसी को डाउट? डाउट है सचिन? नहीं ना, चलते आगे. नेक्स्ट आ जाइए, इसका केस ले लीजिए. मॉर्गन स्टैनले म्यूचुअल फंड वर्सेस कार्तिक दास. एक नाम कुछ ज्यादा ही रॉयल, एक कुछ ज्यादा ही नीचे उतार दिया. ठीक है, तो दास भाई का केस देखते हैं क्या था. द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एन एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. अच्छा एक सेकेंड, आप इसको रीड मत करो, मैं आपको इस केस का क्वेश्चन बना के देता हूं, आप मुझे इसका आंसर दीजिएगा. मैंने एक कंपनी के शेयर्स अप्लाई किए हैं. आई एम रिप्लाइंग अगेन, मैंने अप्लाई किए हैं. ऐसे केस के अंदर मैं कंज्यूमर हूं कि नहीं? नहीं. क्यों बेटा? सर अभी तक अलॉटमेंट नहीं हुआ. अगर अलॉटमेंट नहीं हुआ मतलब अभी तक कंसिडरेशन की कोई बात ही नहीं हुई है. अगर कंसिडरेशन की बात हो जाती, आपको अलॉटमेंट, एक सेकेंड, अलॉटमेंट हुआ है, आपने पेमेंट नहीं किया है, पर आपको अभी तक क्या हो गया? अलॉटमेंट हो गया. क्या यहां पर कंसिडरेशन फिक्स हो गया कि आपको कितना देना है? कंसिडरेशन फिक्स हो गया. आपने अभी तक पे किया या नहीं किया वो जरूरी नहीं है, पर क्या प्राइस फाइनल हो चुकी है? Yes. जैसे ही प्राइस फाइनल हो गई, क्या अब मैं कंज्यूमर की डेफिनेशन में आ गया? Yes. अलॉटमेंट लेटर आते ही आप कंज्यूमर बन चुके हो. पेमेंट किया या नहीं किया वो सेकेंडरी था. तो क्या शेयर्स गुड्स की डेफिनेशन में आते थे? आते थे. इस केस के अंदर क्या हुआ बेटा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर आपने एप्लीकेशन दी है तो अभी तक आप कंज्यूमर के डेफिनेशन में नहीं आए हो, पर जैसे ही आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई और आप अलॉटमेंट लेटर ले, वहीं पे आप क्या बन गए? कंज्यूमर बन गए. क्वाइट सिंपल. मॉर्गन स्टैनले वर्सेस कार्तिक दास केस याद भी रह जाएगा आपको. मैं रोज आपको केसेस रिपीट करवाता रहूंगा. याद कैसे करते केसेस मैं बताऊंगा आपको. डोंट वरी विद दैट, यू डोंट हैव टू टेक द बर्डन. बस थोड़ा सा मेमोरी पावर है, एक दो बार 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 बोलेंगे याद हो जाएगा. बेटा सोचो, अपन ने कंज्यूमर की डेफिनेशन में एक केस याद करने के लिए बोला, वो कौन सा था? लक्ष्मी माता का केस था, लक्ष्मी इंजीनियरिंग मिल्स, याद रह गया. सेकंड केस अभी अपन पढ़ रहे हैं जिसमें अपन गुड्स की बात कर रहे हैं. गुड्स में मैंने कहा था यार एक नाम बहुत रॉयल है, एक नाम बिल्कुल कम है. मॉर्गन स्टैनले वर्सेस कार्तिक दास. क्या बेटा इसमें गुड्स की बात हो रही थी? कौन से वाले गुड्स की? शेयर्स की. एप्लीकेशन पे आप आते हो क्या परव्यू में? नहीं आते. अलॉटमेंट पे आ जाते हैं. देख ले, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एन एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कैन नॉट कॉन्स्टिट्यूट गुड्स. इट इज आफ्टर अलॉटमेंट दैट राइट्स may arise as per the article of association of the company. At the stage of application, there is no purchase of goods for consideration, and again the purchaser cannot be called the hirer for consideration. So just repeating it for you, ek second yahan pe, ek second na, wo pehle wala chart complete kar deta hu. Jo log ye chart bana rahe the beta, wo yahan pe likh lijiyega, not a consumer. Ab aage chal raha hu. Haan ji, स्टैनले मॉर्गन
वर्सेस कार्तिक दास. हाँ जी, क्या केस था? सॉरी मॉर्गन स्टैनले. इस केस में क्या हुआ बेटा? इफ यू हैव अप्लाइड फॉर शेयर, मतलब सिर्फ एप्लीकेशन है, येट नॉट रेस्पॉन्डेड, नॉट अ कस्टमर, दैट इज नॉट अ कंज्यूमर. सही है? शेयर्स के लिए अप्लाई किया, अलॉटमेंट लेटर आ गया है, पे किया या नहीं किया जरूरी है क्या? नहीं है. अलॉटमेंट लेटर आ गया है, अगर अब कोई भी डेफिशिएंसी इन सर्विस आई तो क्या आप कंज्यूमर कहलाएंगे? क्या आप कोपरा के अंदर जा पाएंगे? आई लाइक द वे यू से यस, थैंक यू. ठीक है, नेक्स्ट अप. सो आर वी क्लियर विथ व्हाट इज गुड्स? नेक्स्ट अप इज सर्विसेज. देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय यू वांट टू राइट? हाँ हाँ, मिच मिच क्यों कर रहे हो? बोलो ना, स्क्रोल अप. साले गमार. हाँ जी, नेक्स्ट अप सर्विसेज. बेटा मैंने गुड्स पे इतना टाइम इसीलिए वेस्ट किया क्योंकि सर्विसेज कॉपी पेस्ट, खाली गुड्स हटाओ सर्विसेज लगाओ. और जहाँ पे खाली इतना सा, आपने गुड्स में क्या बोला कि अगर कोई डिफेक्ट आया तो, सर्विसेज में डेफिशिएंसी बोलते हैं, गुड्स में डिफेक्ट, सर्विसेज में डेफिशिएंसी. देख लें, द टर्म सर्विस इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2(1) क्लॉज ओ एज टू मीन सर्विस ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन विच इज मेड अवेलेबल टू द पोटेंशियल यूजर एंड इंक्लूड्स बट नॉट लिमिटेड टू द प्रोविजन ऑफ फैसिलिटीज इन कनेक्शन विद बैंकिंग. बेटा बैंकिंग भी एक तरीके की सर्विस है, फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस. अच्छा एक सेकेंड, अपन ने इंश्योरेंस निकाला हरीश सर का और हरीश सर चलते चलते यहाँ पे गिर गए. ठीक, बाय 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 बाय. उठने तो दो उस बेचारे को. अच्छा वो नहीं उठ रहा है, अपन ने उसको स्ट्रेचर पे डाला, लेके भागे हॉस्पिटल. हॉस्पिटल में गए, एडमिट करवाया, बंदे का 3 दिन ट्रीटमेंट चला. हमने क्लेम किया इंश्योरेंस लॉ के अंदर कि भाई इंश्योरेंस तो, अच्छा इंश्योरेंस कौन सा था? भगवान के नाम दे दे इंश्योरेंस लिमिटेड, ये नाम था इंश्योरेंस कंपनी का. ठीक है, भगवान के नाम पे दे दे इंश्योरेंस लिमिटेड पे अपन गए. हमने कहा वो भाई भाई गिर गए थे अपने और खर्चा आया हॉस्पिटल में. हमने उनका सबसे बड़ी हॉस्पिटल में इलाज कराया, हॉस्पिटल का नाम है ससून. ठीक है, हाँ ये है हॉस्पिटल, है चेक कर लो, किससे पूछ लो, ससून हॉस्पिटल है सबसे, मतलब बहुत अच्छी हॉस्पिटल है, आप समझ गए. हाँ ठीक, तो सर के 3 दिन का एडमिट होने का और बाकी सारा खर्चा मिला के कुछ 4,300 रुपये आया. ठीक, 4,300 रुपये में सर डिस्चार्ज हो गए. तो अपन लोगों ने एक बार 4,300 दे दिए. अब इंश्योरेंस कंपनी को हमने बोला वापस दो, तो इंश्योरेंस कंपनी कहती हाँ दिस इज़ आउट ऑफ माई स्टैंडर्ड्स, आई वोंट पे 4,300 रुपये, जस्ट गेट लॉस्ट. इज देयर अ डेफिशिएंसी इन सर्विस? इलाज तो हम हमारी पसंद से करा सकते हैं भाई, चाहे कैसी भी हॉस्पिटल हो, अच्छी हो या बुरी हो, इट्स माई राइट टू चूज. यस, बट द इंश्योरेंस कंपनी डिडंट पे द मनी. आई वॉन्ट टू नो वेदर हरीश सर इज गोइंग टू कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर, वन, वेदर देर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और नॉट. यस, हरीश सर विल बी अ कंज्यूमर और ये सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट था. अच्छा एक सेकेंड, भाई जोर से गिरा, उठाया, अस्पताल लेके गए, बिल आया 4,500,000 रुपये. यहाँ भी साथ में एक सेकेंड, जैसे ही हमने उनको बिल बताया 4,500,000, क्योंकि उनके सर पे चोट आई थी, वो भूल गए कि उनका इंश्योरेंस है, तो वहीं आ गया उनको हार्ट अटैक और पार्टी वहीं निकल ली. ठीक है, अब हरीश सर इज नो मोर. सुनो तो, तुम सब ने यही बेवा बनना है पूरा? 2 मिनट रुक जाओ, कर रहा हूँ ना, जिंदा करता हूँ उनको. हाँ ना, पीछे वो मूछे वाली विधवाएं देखो सारी अलग लेवल पे. तुम्हारे पैसे लेके भागा है वो, रुक जाओ, बचा रहा हूँ. 4,500,000 का पेमेंट आ गया भाई, बंदा वहीं निपट गया. क्या अब भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है? है. क्या भाभी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस के अंदर क्लेम कर सकते हैं? यस. सो इससे अपन ने लास्ट चीज़ आपको जो रिवीजन करवाना था मुझे, कंज्यूमर इंक्लूड्स अ बेनिफिशियरी एज वेल. लेट्स टू इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, प्रोसेसिंग, सप्लाई और इलेक्ट्रिकल और अदर एनर्जी, बोर्ड और लॉजिंग और बोथ, housing construction, entertainment, amusement or the purview of news or other information, but does not include. अब देखो कौन सी चीज़ें नहीं आएंगी. Does not include rendering of any service
फ्री ऑफ चार्ज. फ्री ऑफ चार्ज तो अपने कंज्यूमर की डेफिनेशन में इंक्लूड ही नहीं करना. और अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस. पर्सनल सर्विस कभी भी, आई डोंट गेट इट. मैं अगर कोई जोक नहीं भी मार रहा हूं तो कोई मुझे इतनी गंदी नजरों से क्यों देख सकता है. अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस ऑल्सो इंक्लूड्स अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ टीचिंग. एज सिंपल एज दैट. इट्स अ पर्सनल टीचिंग. वेट, पर्सनल सर्विस हो गया तुम्हारा. आगे बढ़ो. सो रेंडरिंग ऑफ एनी सर्विस फ्री ऑफ चार्ज और अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस. कोपरा बोलता है मैं पर्सनल सर्विसेज को एंड फ्री सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करता हूं. देखिएगा, पैसेंजर्स ट्रैवलिंग बाय ट्रेन, पैसेंजर्स ट्रैवलिंग बाय ट्रेन ऑन पेमेंट ऑफ द स्टिपुलेटेड फेयर चार्ज फॉर टिकट्स आर कंज्यूमर्स. अपन ने ट्रेन की टिकट खरीदी, एवरीवन इज गोइंग, आर यू कंज्यूमर? यस यू आर. एंड द फैसिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बाय द रेल प्रोवाइडेड बाय द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन इज अ सर्विस. और जो ट्रेन आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही है, दैट्स कमिंग अंडर द डेफिनेशन ऑफ सर्विस. बिल्कुल है. फॉर कंसिडरेशन एज डिफाइंड इन द एक्ट सब्सक्राइबर फॉर टेलीफोन्स. अच्छा, आपने टेलीफोन का कनेक्शन लिया है, क्या आप कंज्यूमर हैं? और टेलीफोन एजेंसी जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही है, क्या वो सर्विस प्रोवाइड कर रही है? यस, वुड ऑल्सो बी अ कंज्यूमर अंडर द एक्ट. अच्छा, मेरे को आपसे अब क्वेश्चन पूछना है. टेल मी, इज देयर अ डेफिशिएंसी इन सर्विस और नॉट? मैंने एक ट्रेन की टिकट खरीदी फर्स्ट क्लास, टू विच टिकट फेयर वॉज 4500 रुपीज. वॉट वॉज अशोर्ड इन अ फर्स्ट क्लास टिकट दैट आपको अपना ओन कंपार्टमेंट मिलता है. आई थिंक फर्स्ट क्लास में सिर्फ एक कंपार्टमेंट में एक ही इंसान होता है, और दो या सेकेंड, नहीं फर्स्ट में दो होते हैं, सेकेंड क्लास में चार और थर्ड में छः. यस, तो ऐसे चलता है. ठीक है, तो दो ही लोग हो सकते हैं. ठीक है, एंड यू ऑलवेज एक्सपेक्ट कि आप फर्स्ट क्लास में जा रहे हैं तो एक प्रॉपर कुशनड आपको सीट मिलेगी, ब्लैंकेट मिलेगी, एक पानी की बॉटल मिलेगी, पर्दे वर्दे लगे हुए होंगे. बट आई टुक द टिकट जिसमें जो सीट थी उसके कुशन्स फटे हुए थे. वन, द ब्लैंकेट वॉज क्वाइट डर्टी एंड स्मेलिंग. टू, देर वॉज नो कर्टन्स आउट देयर. थ्री, एंड ट्रेन में वॉशरूम साइड पानी नहीं आ रहा था. चार, आई हैव अ क्वेश्चन वेदर दिस पॉइंट्स विल कम अंडर डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस और नॉट. यस, इट विल कम. ठीक है. अच्छा, आई चेंज द क्वेश्चन. आई टुक अ टिकट ऑफ लोकल क्लास, 15 रुपए की टिकट ली. माय फ्रेंड टुक अ टिकट फॉर 15 रुपीज, हरीश सर. ठीक है, मेरा भाई, मेरा दोस्त हरीश मथारिया, सब एक ही हो. ठीक है, उन्होंने ली 15 रुपए की टिकट, फटाक से ट्रेन में चढ़ गए. अच्छा यार, उनको सीट ही नहीं मिल रही बैठने के लिए, बेचारा लटकता रहा है बाहर की तरफ, जैसे तैसे पहुंचा है. इज देयर अ डेफिशिएंसी इन सर्विस और नॉट? आपने कहा 15 रुपए में आपको सीट अशोर भी किसने की थी? दैट्स वाई वी कॉल इट इज अ लोकल और जनरल क्लास, दैट एनी वन हु कम्स फर्स्ट कैन सिट फर्स्ट, देर इज नो रिजर्वेशन ऑफ नेम. आप ये थोड़ी बोल सकते हो 32 नंबर सीट मेरी है यहाँ तक. ठीक है, दैट्स अ लोकल टिकट, दैट्स द आइडिया. अगर ऐसा होता तो मुंबई तो सारी ट्रेन ही बंद हो जाती, इतना क्लेम हो जाता. आपने जनता देखी मुंबई के लोगों की, कैसे लोकल ट्रेन की तरफ दौड़ के कूदती. आई हैव सीन पीपल जो दूर से दरवाज़ा देखते हैं और यहाँ से एम करते हैं कि अगर 10 की स्पीड पर ट्रेन ऐसे आ रही है, मैं ऐसे गया तो टकरा जाऊंगा, अगर मैं ऐसा कूदा तो एंटर कर जाऊंगा. और लोग कूदते बकायदा. लोग क्यों? मेरा खुद का उधर एक भाई रहता है, मैं पहली बार मुंबई गया था, उसने बोला सुन मेरा हाथ पकड़ के रखना, जिस डायरेक्शन में दौड़ूं वैसे दौड़ना और जंप लगाना. आप भी हो गया? हाँ यार, बहुत खतरनाक स्टंटमैन है. मुंबई के लोग आर स्टंट्समैन, दे आर क्वालिफाइड टू बी कॉल्ड एज स्टंट्समैन. मेरा भाई दौड़ा, मेरे को बोले मेरा हाथ पकड़ना, मैं जैसे बोलूं, बस जब बोलूं तब जंप कर जाना. मैं कह यार भाई इतना कॉन्फिडेंट है. और इतनी बात, यू नॉर्मली बिलीव दैट योर ब्रदर विल ऑलवेज बी अवेयर दैट देर इज अ थिंग कॉल्ड लाइफ. ठीक है, सो आई जस्ट थॉट दैट इवन मुंबई पीपल्स डू रियलाइज दैट देर इज लाइफ. ट्रेन आ रही है. अच्छा, मेरा भाई और मैं ऐसे खड़े, पर मुझे नहीं पता था कि वहाँ सारे एक्सपर्ट हैं. सब ऐसे तैयार खड़े थे सेम डायरेक्शन में कूदने के लिए, और सब बेहतरीन तरीके से. तो एवरीवन रेडी टू जस्ट जंप आउट एंड गो देयर. एवरीवन, मैं जब तक मेरी स्टिमुलस रिप्लाई करती कि कूदने के लिए तैयार करो, तब तक मेरा भाई मेरा हाथ छोड़ चुका था और वो डब्बे में था. एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी, ट्रेन के लोग इतने एडजस्टेबल होते हैं कि वो खुद आपको धक्का दे के कहीं सेट कर देंगे एकदम. आप एम कर लेते हो कि हाँ भाई मैं विंडो की तरफ ऐसे अटका हुआ, एक ऐसे अटका हुआ, एक ऐसा, मतलब आपको खुजली भी हुई तो आपको दूसरे की मदद लेनी पड़ी कि भाई खुजा दे. ऐसी हालत है. इतनी प्रॉपर सेटिंग के साथ ये लोग ट्रेन में एंटर कर गए थे. ठीक भाई, मैं ट्रेन के बाहर ही खड़ा था,
मैं एंड तक नहीं जा पाया, ट्रेन निकल गई। अपन बाद में कैब बुक करके उस जगह पे गए जहाँ वो ट्रेन में गया। अच्छा माय क्वेश्चन, क्या आप ट्रेन एसोसिएशन पे केस कर सकते हो, ऐसा कैसा ये चलता ट्रेन में कूदवाता है तू, तू तीन में गिर जा नीचे, तेरी टांगे कट जाए, तू रेंग रेंग के पूछ, तब भी ढेला नहीं मिलना तुझे, ठीक है। ट्रेन ने तुम्हें कमिट किया ही नहीं है कि तुमको टिकट, स्पेस, हॉल्ट, पानी, चकना चुकना कुछ भी मिलने वाला है। आई एम श्योर ना, वी डोंट कम इन द डेफिनेशन। हाउएवर मैंने कैब बुक करी, ठीक है, वो कैब वाला गेट खोल के चला रहा है गाड़ी और मैं ऐसे डायरेक्शन करके कूद रहा हूँ, चलेगा क्या? आप दो मिनट में कंप्लेंट डालोगे। डिड यू गेट माई क्वेश्चन? द सेकेंड साइड प्रोमिस्ड मी ऑफ अ सर्विस एंड द अदर साइड डिंट एवर प्रोमिस्ड मी द क्वालिटी ऑफ सर्विस। श्योर इनफ, लोकल मार्केट से मैंने एक बार आबिदास की टी शर्ट खरीदी। लोकल मार्केट में आबिदास ही होता है, ये तो दुकानें हैं जहाँ आदिदास जी खड़े होते हैं। मैंने आबिदास की टी शर्ट खरीदी, भाई एक बार पानी में डाला, आबी आबी रह गया, दास उतर गया, खाली आबी था एक तरफ, दास नहीं था। माई क्वेश्चन, किस पे केस करोगे? किसी में नहीं कर सकते, क्वेश्चन ही गलत है, बनता ही नहीं है। तो इन सच अ केस व्हाट हैपेंस, आप बोलते हो कि यू आर वेल अवेयर व्हाइल परचेजिंग द गुड्स कि उसकी क्वालिटी ऐसी रहने वाली है। आप जब ट्रेन की टिकट खरीदते आपको पता है कि भारतीय रेल कितनी शानदार है, तो यू डोंट इवन एक्सपेक्ट, ठीक है। दिस इज वे वी से दैट डेफिशिएंसी इन सर्विस इज अगेन अ सब्जेक्टिव मैटर, किस तरीके की प्राइसिंग की गई है, क्या अश्योरिटीज दी गई थी, अगर वैसा नहीं है तो ठीक। आप इंडिया के में सच में थर्ड क्लास में, थर्ड क्लास बोल रहा हूँ, क्लास थ्री एसी बोलते ना, क्या बोलते उसको, टियर यू मेंट, बट हाँ हाँ, तो सेकेंड क्लास, फर्स्ट क्लास, थर्ड क्लास ही तो बोलते हैं यार। अबे सालों साइकिल पे चलने वालों, तुमको क्या पता थर्ड क्लास क्या होता है? हाँ ठीक है, थर्ड टियर, जो थर्ड वाली बोगी होती है, जो एसी होती है, पर वो गरीबों की एसी होती है, ठीक है, जिसमें अपन बोलते हैं कि आठ ही लोग भर भर के जाओगे, बस फर्क ये है कि पंखे की जगह हम लोग ऐसा ब्लोअर चला के देंगे तुमको, जिसमें एसी वाला फील लगने का चांस है, ठीक है। आप सच में थ्री टियर में ट्रांसफर ट्रैवल करके देखो, फिर भी सही सर्विसेज देते हैं आपको। थ्री टियर के अंदर आते थे, थोड़ी क्लीनलीनेस रखते हैं, ब्लैंकेट भी साफ सुथरी दे देंगे, पानी की बॉटल भी मिलती है, सब कुछ जाता है। आप बस थ्री टियर से स्लीपर क्लास में आओ, आपको ऐसा लगे ना नरेंद्र मोदी से राहुल गांधी आ गया, मतलब उत्तर पश्चिम, वहां पे आप सेकंड क्लास में एंटर करो, एक औरत अपने बच्चे के साथ संडास के बारी खड़ी होगी, फिक्स है, आप कुछ भी कर लो, ठीक है, फिक्स है, पता नहीं उसी के बेटे को लगी आज, बाकी माओ के पूत रोको, ठीक है, इस तरफ खड़े, अंदर चार पांच नंगे बच्चे चिल्ला रहे होंगे, इधर उधर दौड़ रहे, ठीक है, उनकी माएँ उनके पीछे बुलडोजर की तरह दौड़ रही है, बीच में जो आया वो कुचला जाएगा, ट्रेंड है। अच्छा आप केस भी कर सकते हो क्या, जब आप स्लीपर क्लास खरीदते हो, आप खुद ही कह देते हो भाई 240 रुपए में यही टिकट आती है और इन्हीं के साथ खेलना है, और एक जना जो पूरे रास्ते आपसे बात करता जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं और देश की क्या स्थिति है, फिक्स है, फिक्स। मैंने भी बहुत ट्रैवल किया, मेरे को पता नहीं एक एक ना एक मिलता ही मिलता है। मैं हर बार ट्रेन में एक सपने के साथ बैठा हूँ कि आज तुम्हारी भाभी बनेगी, जीजे बनते हैं तुम्हारे, ठीक है, और इतने जिगरी नंबर लेके जाते हैं और बाद में मैसेज करते हैं हाय भाग्यवर्धन हेयर। मैं कहा भाग्यवर्धन तू मेरे भाग्य का सबसे खराब पार्ट है, ऊपर से मैसेज भी कर रहा है, हाय लिख रहा है, तेरी हिम्मत देख रहा है, भाई होता ही, भाई पैसे मांग सकता हूँ मैं ट्रेन, बनते ही नहीं, डेफिशिएंसी इन सर्विस है ही नहीं। उन्होंने कभी आपको प्रॉमिस ही नहीं किया था कि हम आपको इतना बढ़िया एनवायरमेंट देंगे, हमने प्रॉमिस किया था हम आपको कहीं पहुँचा देंगे, कब पहुँचाएंगे वो भी ड्राइवर की मर्जी, ठीक है एकदम, तो लेट पे भी नहीं। आप जापान के अंदर चले जाओ, वंस जापान की एक ट्रेन वॉज लेट फॉर फ्यू सेकेंड्स, दे रिफंडेड द एंटायर फेयर प्राइस टू ऑल इट्स पैसेंजर्स, स्टेटिंग दैट वॉज देयर डेफिशिएंसी इन सर्विस। हमारे यहाँ पे अगर हम कुछ घंटे लेट हो तो हम ऑन टाइम मानते हैं कि एक बजे की ट्रेन चार बजे हो गई, गजब, आज ड्राइवर सही मूड में था, दैट्स द पॉइंट इन इंडिया। चले आ जाते हैं, सो आर वी क्लियर विद व्हाट इज सर्विस? यस वी आर। नेक्स्ट अप, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, ऑलरेडी कर लिया था बेटा ये, एक सेकेंड, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, जल्दी याद करा दो। यस, सो हमने बात करी थी कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस का मतलब क्या होता है, हाँ जी आपने बोला कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस मीन्स एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आप,
प्रोफेशनल सर्विस देते हैं जिसमें आप इंप्लॉयमेंट में तो हो पर मास्टर सर्वेंट रिलेशन क्रिएट नहीं होता। मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल आप एक डॉक्टर के पास गए, आपने बोला आपकी तबीयत ठीक नहीं है, वो बंदा जो इलाज करेगा आप उसको ये नहीं बताओगे कि इधर से हल्का कट मार, दो टाका इधर लगाने का ठीक है क्या, और मस्त प्लास्टिक टाका चाहिए, आप ऐसी बातें नहीं करोगे। दैट्स हिज चॉइस, ही विल डू इट द वे ही वॉन्ट्स टू। सो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस इज वेयर यू डू गेट प्रोफेशनल सर्विस, एंड अगेन प्रोफेशनल सर्विस में कभी भी मास्टर सर्वेंट रिलेशन बेटा नहीं बनता। और अगर मास्टर सर्विस रिलेशन नहीं बन रहा, वो आपके डायरेक्शन पे नहीं ऑन हिज ओन विल काम कर रहा है, ऑन हिज ओन विल काम कर रहा है, तो ऐसे केस में आप क्या मानते हो कि भाई कहीं ना कहीं आप लोग, अगर वो सामने वाला बंदा अपनी सर्विसेज में गलती कर रहा है तो इसमें आपका कुछ हाथ था क्या? नहीं, मैं यहाँ पे उसके पास काम लेके गया, वो प्रोफेशनल नेचर का काम कर रहा था, खुद के हिसाब से काम कर रहा था, मेरे कहने पे नहीं कर रहा था, मैंने सिर्फ प्रॉब्लम बताई थी एंड ही यूज्ड हिज स्किल्स। क्या अगर उस कुछ गलत हुआ तो मैं 100% कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के पास जाऊँगा कि भाई मेरे साथ गलत हुआ है? क्यों? क्योंकि उसने अपने दिमाग से काम किया, मेरे कहने पर नहीं, अपना दिमाग लगाया था। तो यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लागू होता है कब? कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस में। अब बेटा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस क्या होता है समझेंगे? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, बेटा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में बस इतना सा फर्क है कि आप जब इसको अपॉइंट कर रहे हो ना, तो आप लोगों ने एक मास्टर सर्विस रिलेशनशिप क्रिएट, सर्वेंट रिलेशन की क्रिएट की कोशिश। इसमें आपका सर्वेंट अपनी मन मर्जी कुछ नहीं करेगा, इसमें आपका सर्वेंट अपने मन मर्जी कुछ नहीं करेगा, सिर्फ क्या है जैसा आप बोलोगे वो वैसा करेगा। आपने कहा उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, आपने बोला ये काम इस तरीके से होना चाहिए, वो ये काम उसी तरीके से करके आएगा। अच्छा, क्या यहाँ पे सर्वेंट अपनी मर्जी से कुछ कर रहा है? नहीं, जैसा आप बोल रहे हो वैसे काम कर रहा है। अब मान लो मैंने आपको अपॉइंट किया, मैंने अमृता को अपॉइंट किया, टू केसेस। फर्स्ट केस, अमृता इज अपॉइंटेड एज टू गिव अ प्रोफेशनल सर्विस ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी, शी इज अ कंपनी सेक्रेटरी एंड शी इज गिविंग प्रोफेशनल सर्विस। मैं कहा अमृता फाइलिंग करवानी है, एक मीटिंग कॉल करनी है, और एक बार आपको हमारे एनुअल रिपोर्ट्स को भी साइन करना है, ये तीन काम दिए। शी सेड डन सर, आई विल डू इट। अच्छा, मैं उसको बताऊंगा कि साइन ऐसा करना, मीटिंग इस तरीके से बुलाना। शील से, सर आप बता दीजिए कौन सी डेट को मीटिंग चाहिए, आई विल सी टू इट कि कैसे कैसा एजेंडा बनाना है, क्या क्या है, आई विल डू इट। उसने अपने हिसाब से किया काम, मेरे कहने पे कुछ नहीं किया। प्रोफेशनल सर्विस एग्जिस्ट कर रही है, यस। क्या हमारे बीच में मास्टर सर्वेंट का रिलेशन बन रहा है? टू बी अ मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि सर्वेंट मेरे इंस्ट्रक्शंस मानना चाहिए, उसको मेरे इंस्ट्रक्शंस मानने की जरूरत ही नहीं है। हैंस शी इज नॉट माई सर्वेंट, शी इज वर्किंग इन अ प्रोफेशनल कैपेसिटी। यहाँ तक भी क्लियर है? उसने अपनी ओन विल पे जो करना था किया, और फिर उसकी सर्विसेज में डिफेक्ट आया, फिर उसकी सर्विसेज में डेफिशिएंसी, टू बी मोर क्लियर, डेफिशिएंसी आई। क्या मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर बोल सकता हूँ कि देयर वॉज डेफिशिएंसी इन सर्विस ऑन पार्ट ऑफ द पर्सन आई रिक्वेस्टेड टू डू सम वर्क? यस, क्योंकि वो अपनी मर्जी से काम कर रही थी। बेटा इसी जगह पे मैंने इस बार अमृता को अपॉइंट किया फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, नाउ करंटली शी इज नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ प्रोफेशनल वर्क। मैंने उसको अपॉइंट किया फॉर द पर्पज ऑफ टाइपिंग और फॉर द पर्पज ऑफ एनीथिंग, जिसमें जो मैं उसको बोल रहा हूँ वो बेचारी वैसे ही काम कर रही है। आई गेव हर सम वर्क टू विच शी ट्राइड टू डू, बट देर वॉज सम काइंड ऑफ डेफिशिएंसी। मास्टर सर्वेंट रिलेशन था, मेरे कहने पर काम कर रही थी, मैंने जैसा बोला उसने वैसा ही काम किया, फिर भी कोई प्रॉब्लम आई। क्या अब मैं इसके खिलाफ केस कर पाऊंगा? आपने कहा नहीं। अब आप कोपरा के अंदर नहीं आते, क्यों? क्योंकि कोपरा ने स्पेसिफिकली बोला एक ही चीज कि मैं सिर्फ किसको इंक्लूड करने वाला हूं, प्रोफेशनल सर्विसेज जिसमें आपके कहने पे काम ना हुआ हो, तब हम बोलेंगे कि भाई आपके साथ गलत हुआ है। जब तुम्हारे बोलने पे कोई काम कर रहा है और फिर गलत हुआ, तो ये तुम्हारी गलती है, सामने वाले की थोड़ी डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस है। श्योर इनफ, रीड कर लो। इट वॉज, बेटा अपन लोग ऑलरेडी पूरा डिस्कस कर चुके हैं, आई बिलीव कि आपको बस सेकंड टाइम रिविजन चल रहा है। इट वॉज ऑब्जर्व दैट कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस इम्प्लाइज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय वन पार्टी अंडरटेक्स टू रेंडर सर्विसेज, एग्जाम्पल प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज टू और फॉर अनादर इन द परफॉर्मेंस ऑफ विच ही इज नॉट सब्जेक्ट टू डिटेल्ड डायरेक्शन। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस कब होता है? जहाँ पे आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं पर आपको डिटेल्ड डायरेक्शन
नहीं दिए जाते। अमृता को सिर्फ रिक्वेस्ट की गई थी कि ये काम करना है, डिटेल डायरेक्शन नहीं आए थे। एंड कंट्रोल बट एक्सरसाइजेज प्रोफेशनल और टेक्निकल स्किल एंड यूजेज हिज ओन नॉलेज एंड डिस्क्रिशन। ठीक है एकदम। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस ऑन द अदर हैंड इम्प्लाइज रिलेशनशिप ऑफ मास्टर एंड सर्वेंट एंड इन्वॉल्व्स एन ऑब्लिगेशन टू ओबे ऑर्डर्स इन द वर्क टू बी परफॉर्म एंड एज टू इट्स मोड एंड मैनर ऑफ परफॉर्मेंस। द पार्लियामेंट्री ड्राफ्ट बेटा जो ये लॉ लिख रहा था कोपरा का वॉज वेल अवेयर ऑफ द वेल एक्सेप्टेड डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। बेटा उसने किसको इंक्लूड किया कोपरा के अंदर? कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस आता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस? कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। एंड हैड डेलिबरेटली चूजन द एक्सप्रेशन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस इंस्टेड ऑफ एक्सप्रेशन कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस इन द एक्सक्लूजनरी पार्ट। तो उसने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस को एक्सक्लूड कर दिया और डेलिबरेटली किसको रख लिया? कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस को रख लिया। बेटा लाइन वापस रीड करना, बहुत सारे लोग इस लाइन में कंफ्यूज होते हैं। इसने कहा ड्राफ्टमैन डेलिबरेटली चूजन द एक्सप्रेशन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, उसने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस को चूज किया, क्यों? इंस्टेड ऑफ एक्सप्रेशन कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस इन द एक्सक्लूजनरी पार्ट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ सर्विस, सर्विस से हटाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस को चूज किया कि आप सर्विस के अंदर नहीं आओगे। अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस डेफिनेशन में नहीं आ रहा सर्विस की तो क्या आएगा? कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। यही आप लोग का आंसर था। डन। दिस बीइंग द रीजन दैट एन एम्प्लॉयर कुड नॉट बी रिकॉर्डेड, एक एम्प्लॉयर कभी भी कंज्यूमर नहीं कहलाता इन रिस्पेक्ट ऑफ द सर्विसेज रेंडर्ड बाय एन एम्प्लॉई इन परसुएंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर इसी जगह कॉन्ट्रैक्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट होता तो क्या आप कंज्यूमर बन जाते? यस। पर यहां पे क्या लिखा हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। श्योर इनफ, पक्का। आगे ये आ गया आपका केस लॉ, सर्विसेज रेंडर्ड अंडर मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम। अच्छा बेटो अपन ने बहुत डिस्कशन किया, आप बता दो आपको मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम के अंदर आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, सुनना, इंश्योरेंस कंपनी को आपने इंश्योरेंस प्रीमियम दिया, दे डिंट गिव यू द क्लेम, देर इज अ डिफिशियंसी ऑफ सर्विस और नॉट? देर इज, परफेक्ट। मैंने आप सबके लिए आउट ऑफ माई विल, आपसे कोई पैसे नहीं ले रहा, सिर्फ आपकी सैलरी से कट करके इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता हूँ। आप मुझे इस काम के लिए कोई पैसे नहीं देते हो, बस मेरा मन होता है कि यार आप लोग के लिए ये मेहनत मैं कर दूँ कि आपके पैसे कट करके मैं वहाँ तक पहुँचा दूँ। एक बार मैंने नहीं पहुँचा है, क्या आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जाके मेरे खिलाफ कंप्लेन फाइल कर सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि सर आप जो सर्विस दे रहे थे ना वो फ्री ऑफ चार्ज थी। अगर आपने चार्ज किया होता इस चीज़ के लिए तो क्या आपके खिलाफ भी केस कर सकते थे? यस। बहुत अच्छा लगा बेटा, यस चिल्लाया अकेली ने वहाँ से। मेरे खिलाफ केस करेगी तू? शर्म नहीं आएगी? देखो आंसर सही है पर भावना गलत। आओ, सर्विस रेंडर्ड बाय अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, आप किसी हॉस्पिटल में जा रहे हैं, नर्सिंग होम, कैन नॉट बी रिगार्डेड एज सर्विस रेंडर्ड फ्री ऑफ चार्ज। वापस देखना, इफ द पर्सन अवेलिंग द सर्विस हैज टेकन एन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर मेडिकल केयर वेयर अंडर द चार्जेस फॉर कंसल्टेशन डायग्नोसिस एंड मेडिकल ट्रीटमेंट आर बॉर्न बाय द इंश्योरेंस कंपनी एंड सच सर्विस वुड फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ सर्विस। आपने इंश्योरेंस करवा रखा था, आप बीमार हुए, हॉस्पिटल गए, पैसे दिए, क्या ये जितना भी पैसा आपने दिया वो सब कुछ इंश्योरेंस कंपनी आपको रिकवर करके देगी? यस। yes. क्या इस टाइम पे आप कंज्यूमर के डेफिनेशन में आएंगे? यस yes. क्योंकि ये एक सर्विस है एज डिफाइंड इन सेक्शन 210। अच्छा अब आगे देखना, सिमिलरली वेयर एज अ पार्ट ऑफ कंडीशन ऑफ सर्विस, देखो सिमिलरली जहाँ पे आपकी सर्विस का एक पार्ट था, द एम्प्लॉयर बेयर्स द एक्सपेंस ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय एंड हिज फैमिली मेम्बर्स। आपकी सर्विस का पेमेंट पार्ट था ये कि एम्प्लॉयर आपके एक्सपेंसेस उठाता है, किस चीज़ के? मेडिकल ट्रीटमेंट के, कहाँ गया, ऑफ एन एम्प्लॉय एंड हिज फैमिली मेम्बर्स डिपेंडेंट ऑन हिम। सर्विस रेंडर्ड टू सच एन एम्प्लॉय एंड हिज फैमिली मेम्बर्स वुड नॉट बी फ्री ऑफ चार्ज एंड वुड कंस्टिट्यूट सर्विस। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयर आपकी सैलरी का पार्ट बोल रहा था कि मैं उठा रहा हूँ, मैं आपके लिए पे कर दूंगा। तो ऐसे केस में एम्प्लॉयर भी क्या आ गया? सर्विस के डेफिनेशन के अंदर आ गया। यहाँ तक साथ हो। पर इसी जगह अगर मैं आपके पैसे डिडक्ट करके सामने पे कर देता जिसमें मेरा कोई रोल था ही नहीं, मैं सिर्फ फ्री ऑफ पार्ट ऐसे ही खाली मेरी तरफ से पे कर रहा था, तब आऊँगा कि सर्विस की डेफिनेशन में? नहीं। सो अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड,
सिमिलरली वेर एज पार्ट ऑफ द कंडीशन ऑफ सर्विस. वॉट डू यू मीन बाय पार्ट ऑफ कंडीशन ऑफ सर्विस? एक ही तुम लोगों को कंडीशन ऑफ सर्विस का मतलब पता है? वॉट इज सर्विस? मैंने आपको अपॉइंट किया, आप मेरे लिए कोई काम कर रहे हो, आप मुझे क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? सर्विस. व्हेन आई से कंडीशन ऑफ सर्विस, बेटा सर्विस देने के लिए इन रिटर्न आपको मेरे से क्या चाहिए, इज नोन एज कंडीशन ऑफ सर्विस. मतलब कि मेरा पेमेंट. इसने क्या बोला कि ये जो एम्प्लॉय था बोल रहा था कि मेरे पेमेंट का एक पार्ट मुझे आपसे क्या चाहिए, कि आप मेरे लिए कौन सा खर्चा करोगे? मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम कौन भरेगा? आप भरोगे. और इसका खर्चा भी कौन उठाएगा? आप ही उठाओगे. ये उसकी क्या थी? कंडीशन ऑफ सर्विस. ये उसकी कंडीशन ऑफ सर्विस थी. मतलब एक तरीके से ये चीज मिलने का अधिकार उस एम्प्लॉय को था. और अब इस आदमी ने इस एम्प्लॉय के लिए प्रीमियम नहीं भरा. क्या अब ये बोल सकता है कि भाई यहां पे तो डेफिशिएंसी इन सर्विस है? क्यों? क्योंकि ये तो कमिटेड पार्ट था, आपको करना ही है. इसी जगह पे बेटा एग्जांपल को थोड़ा रिफाइन कर देता हूं. इसी जगह पे आपकी कंडीशन ऑफ सर्विस कहती है कि आपका मंथली पे कितना होना चाहिए? 1,00,000 रुपए होना चाहिए. आपकी कंडीशन ऑफ सर्विस क्या कहती है? आपका मंथली पे कितना होना चाहिए? 1,00,000 रुपए होना चाहिए. और इंप्लॉयर वॉलंटरिली बोलता है कि आपके 1,00,000 रुपए में से मैं क्या करता हूं, 10,000 डिडक्ट कर देता हूं. और ये 10,000 किसको दे दूंगा? इंश्योरेंस वालों को दे दूंगा. अब एक सेकेंड, ये जो 10,000 रुपए डिडक्ट करना है और जो इंश्योरेंस वालों को ये पैसा देना है, विल दिस कम अंडर सर्विस? आपने बोला नहीं सर ये नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि ये जो सर्विस वो दे रहा है ना, ये तो वॉलंटरी दे रहा है फ्री ऑफ चार्ज, जबकि यहां पे तो वो तुमसे काम करवा रहा है और काम करवाने के लिए आपका इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा है. फर्क समझ में आया? सो दिस विल नेवर कम अंडर कोपरा. हां जी श्योर. यही केस को समझाने के लिए आगे डाला है अपन ने एलेक्स जे रिबेलो वर्सेस वाइस चांसलर ऑफ बैंगलोर कर दिया, वाइस चांसलर बैंगलोर यूनिवर्सिटी एंड अदर्स. मस्त केस है. द नेशनल कमीशन हैज हेल्ड दैट यूनिवर्सिटी. अच्छा आप यूनिवर्सिटी के पेपर चेक करवाते हैं भाई, आप एग्जाम देते हो, यूनिवर्सिटी ने आपकी कॉपी चेक की और फेल कर दिया आपको. आपने कहा इतने शानदार आंसर लिखे थे, मोतियों जैसी राइटिंग में, ठीक है, और फेल कर दिया. देर इज अ डेफिशिएंसी इन सर्विस इन द टीचर्स. अच्छे ही नहीं पढ़ाते और एग्जाम की कॉपियां भी ढंग से चेक नहीं करते, जाहिल गवार. अपने दुख नहीं रोने, सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ. क्या आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जाके यूनिवर्सिटी के ऊपर केस कर सकते हो क्या डेफिशिएंसी इन सर्विस में? एग्जाम देने के पैसे लेते हो आपसे? कौन से पैसे देते हो? वो कॉलेज की सिटिंग फीस होती है जो आपको एग्जाम यूनिवर्सिटी आप जो एग्जामिनेशन फीस पे करते हैं, दैट इज कॉलेजेस चार्ज टू मेक यू सिट फॉर द पेपर. यूनिवर्सिटी आपको सिर्फ एनरोलमेंट और सर्टिफिकेशन चार्ज लगाती है. अगेन याद रख लेना इस चीज़ को, जब कॉलेज एंड में आपसे यूनिवर्सिटी फीस चार्ज करती है ना, दैट यूनिवर्सिटी चार्जेस आपके एनरोलमेंट के लिए कि आप अगर पास हो गए तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, जबकि आपकी कॉपीज चेक होने के लिए आपको सिटिंग प्लेस प्रोवाइड करने के लिए कॉलेज आपको फीस लगाती है. रीडिंग इट इन दिस केस यही आया था जजमेंट. The National Commission has held that the university in conducting examination, evaluating answer sheets and publishing the result was not performing any service for consideration. आपके लिए examination लेना, उसको evaluate करना और उसके marks को publish करना, इसके लिए वो आपसे कोई consideration नहीं ले रही थी. And a candidate who appeared for the examination cannot be regarded as a consumer. तो university के ऊपर आप case नहीं कर सकते under Consumer Protection Act कि नहीं marks अच्छे नहीं आए, रिवैल्यूएशन दे दे मेरे भाई, नहीं तो नेक्स्ट टाइम बैक का पेपर दे देना अच्छे से, ठीक. नेक्स्ट, कंज्यूमर डिस्प्यूट. व्हाट इज अ कंज्यूमर डिस्प्यूट? व्हाट इज अ कंज्यूमर डिस्प्यूट? मैंने घी का डब्बा लिया, एडल्ट्रेटेड निकला, इज देयर अ कंज्यूमर डिस्प्यूट? व्हाई इज देयर अ कंज्यूमर डिस्प्यूट? अगर सामने वाला बंदा अपनी गलती मान जाता है
और पैसे दे देता है तो डिस्प्यूट गाएगा। डिस्प्यूट का मतलब तो झगड़ा होता है। तो आप कह रहे हो कि सर डिस्प्यूट तब क्रिएट होता है जब डिनाई कर दिया। अच्छा मिल नहीं रहा, जवाब नहीं दे रहा है। डिड यू गेट द क्वेश्चन? मिल नहीं रहा है, जवाब नहीं दे रहा। इज देयर अ डिस्प्यूट और नॉट? इज देयर अ डिस्प्यूट? आ जाइए देखते हैं। इट मीन्स अ डिस्प्यूट वेयर द पर्सन अगेंस्ट होम अ कंप्लेंट हैज बीन मेड डिनाइज और डिस्प्यूट द एलिगेशन कंटेंड इन द कंप्लेंट। आगे लिख लो, नॉन अवेलेबिलिटी विल बी डीम्ड टू बी डिनाइल एंड हेंस कंस्टिट्यूटिंग अ डिस्प्यूट। नॉन अवेलेबिलिटी विल बी डीम्ड टू बी डिनाइल, नॉन अवेलेबिलिटी विल डीम टू बी अ डिनाइल एंड हेंस फॉलिंग अंडर कंज्यूमर डिस्प्यूट। डन? नेक्स्ट इज रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। व्हाइल यू टॉकिंग अबाउट रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, लिखो सेम एज कॉम्पिटिशन एक्ट। जो कॉम्पिटिशन एक्ट में दिया है वही है, अपन यहां भी करेंगे रिविजन के तौर पे, कॉम्पिटिशन एक्ट में भी करेंगे। आ जाए, इट मीन्स अ ट्रेड प्रैक्टिस विच टेंड्स टू ब्रिंग अबाउट मैनिपुलेशन ऑफ प्राइस और इट्स कंडीशन ऑफ डिलीवरी। देखो बेटा, इसने रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस किसको बुलाया? इसने कहा कोई भी ऐसी प्रैक्टिस जो क्या लाती है, मैनिपुलेशन ला रही है प्राइस में, मतलब कि एनी काइंड ऑफ प्रैक्टिस जो मैनिपुलेट करने के लिए इंक्लूड की जाए एनी काइंड ऑफ प्रैक्टिस जो मैनिपुलेट करे किस चीज को, प्राइस को, देखें, विच टेंड्स टू ब्रिंग अबाउट मैनिपुलेशन ऑफ प्राइस और इट्स कंडीशन ऑफ डिलीवरी और टू अफेक्ट फ्लो ऑफ सप्लाई। आप प्राइस को मैनिपुलेट करो, सप्लाई को मैनिपुलेट करो, या फिर उसकी क्वालिटी, क्वालिटी का मतलब होता है बेटा कंडीशन, किसी भी चीज को आपने मैनिपुलेट किया तो हम इसको क्या मानते हैं, रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। आगे देखो, क्यों? इन सच अ मैनर एज टू इम्पोज ऑन द कंज्यूमर्स अनजस्टिफाइड कॉस्ट एंड रेस्ट्रिक्शंस शैल इंक्लूड। देखिए क्या क्या चीजें रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस में आती है। डिले बियॉन्ड 5 मिनट्स, आई टेक द लेक्चर। डिले बियॉन्ड द पीरियड अग्रीड टू बाय अ ट्रेडर इन सप्लाई ऑफ सच गुड्स और इन प्रोवाइडिंग द सर्विसेज विच हैज लेड और इज लाइकली टू लीड टू राइज इन प्राइस। रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस का पहला पार्ट क्या बोला इसने, आप इतना डिले कर रहे हो अग्रीड प्राइस से गुड्स को सप्लाई करने के लिए कि जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मार्केट में राइज इन प्राइस आ जाएगी। ये केस हुआ है, ह्यूंडई का केस था। ह्यूंडई की वर्ना लॉन्च हुई थी, वर्ना फ्लुइडिक आएगा इसको, जैसी कार लॉन्च हुई थी। तो जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी ना, अलग लेवल क्रेज आया था इसका, अलग लेवल क्रेज। अच्छा, मार्केट में आप जब फ्लुइडिक बुक करने जा रहे थे तो ये 8 महीने की बुकिंग दिखा रहा था, 8 महीने 10 महीने ऐसी बुकिंग चल रही थी। मैं तो सिर्फ देखने गया था, मेरे को नई गाड़ियाँ टेस्ट ड्राइव करने में बहुत मजा आता है, खरीदने की हालत नहीं, सिर्फ देख के आने का। गया ड्राइव करके आया, वापस रख दी, मैंने पूछा भी नहीं कितने दिन बाद देगा, तो अपने ट्रेड प्रैक्टिस तेरे पास रख। पर जो लोग खरीदना चाहते थे उनके साथ गलत है, आप 10-10 महीने की वेटिंग दिखा रहे हो। अच्छा, 10 महीने की वेटिंग सिग्निफाई क्या कर रही है, कि गाड़ी बहुत गजब डिमांड में भाई, अलग लेवल चल रही है। अच्छा, ऑन द कॉन्ट्री, गाड़ी की इतनी डिमांड थी नहीं जितनी क्रिएट कर दी गई, क्योंकि बार बार आ रहा था कि भाई वरना में 10 महीने की डिमांड है, 10 महीने की डिमांड है, तो सब लोग भी एकदम एक्साइट हो गए कि पता नहीं गाड़ी क्या आई होगी। सो एवरीवन स्टार्टेड बुकिंग कि 11 महीने बाद मिलेगी, 12 महीने बाद मिलेगी। भाई 1 महीने बाद ह्यूंडई ने बोला कि हमने प्रोडक्शन सारा बढ़ा दिया, सबको अभी दे देते हैं। तो हमने कहा कि वॉज दिस अ ट्रेड प्रैक्टिस जहाँ पे आपने ऐसा मैनिपुलेशन किया जिससे अब नॉर्मली डिमांड पुश हो गई। अच्छा, बहुत सारे लोग ज़्यादा पैसे देके भी बुकिंग करने को तैयार थे, ज़्यादा पैसे देके गाड़ी लेने को भी तैयार थे। तो वी सेड वॉज दिस अ प्लेस जहाँ पे आप लोग अपनी गाड़ी की अब नॉर्मल प्राइस हाइकिंग करना चाह रहे थे। तो ये केस बहुत अच्छा, ह्यूंडई वन इट, बट द पॉइंट बिंग, ये एग्जाम्पल एकदम परफेक्ट सेट होता है रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस के लिए। आपके पास अवेलेबल थी, आप उसे ज़बरदस्ती विथ होल्ड करते रहे। विथ होल्ड क्यों किया, ताकि डिमांड बढ़ जाए, डिमांड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली गाड़ी की प्राइस भी
बढ़ने वाली है. सच अ क्लियर प्रैक्टिस ऑफ रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड. सेकेंड, एनी ट्रेड प्रैक्टिस विच रिक्वायर्स अ कंज्यूमर टू बाय हायर और अवेल ऑफ एनी गुड्स और एज द केस मे बी सर्विसेज एज कंडीशन प्रिसीडेंट टू बाइंग हायरिंग और अवेलेबिलिटी ऑफ अदर गुड्स और सर्विसेज. हाँ जी, इसका मतलब क्या हुआ? एनी वन? कबाड़ी पूछा है मैंने से, ट्राई तो कर. पढ़ो पढ़ो, आई एम सॉरी आप डिस्टर्ब किया आपको. जल्दी करो यार, तुम भी घर जाओ मैं भी घर जाऊं. कबाड़ी बताएगी, कबाड़ी जवाब देगी. कबाड़ी नहीं तो कोई नहीं. कबाड़ी, क्या आप कबाड़ी हैं? नहीं, नहीं कबाड़ी. ठीक है, आप कबाड़ी नहीं दो, कोई भी ट्राई कर लो. और कौन ट्राई कर रहा था? हाँ जी बेटे, आप बता रहे थे पहले. ठीक है, हाँ जी. अच्छा, तुम सेम बोलने के लिए हाथ खड़ा कर. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक है, सो जस्ट टू ऐड, मान लीजिए कि हार्ट स्टैंड खरीदने की बात हुई. हार्ट स्टैंड इज क्वाइट असेंशियल भाई, किसी का बाईपास हो रहा है, हार्ट स्टैंड है. मान लो कि वो अगला बंदा आपको कह रहा है कि हार्ट स्टैंड आपको तभी मिलेगा जब आप घुटनों के स्टैंड भी खरीदते हो. मान लो कि ऐसी कंडीशन इम्पोज की जाए, वॉट इज दिस सिग्निफाइंग? अ रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, जिसकी वजह से आपको डायरेक्टली जो गुड्स खरीदने थे आप वो नहीं खरीद पाए. आपको क्या करना पड़ा? कोई और गुड्स खरीदने पड़े, तब आप इन गुड्स को खरीद पाए. तो ऐसी प्रैक्टिस को आप रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस बुलाते हो. इट इज़ नॉट अलाउड. हेंस मैं कोई एग्जाम्पल नहीं दे रहा इसके अंदर, क्योंकि इट इज़ नॉट अलाउड. अ प्रैक्टिस विच इज़ नॉट अलाउड, उसके एग्जाम्पल मेरे मुँह पर मत देखो, नहीं दे सकते. एनी ट्रेड प्रैक्टिस विच रिक्वायर्स अ कंज्यूमर टू बाय हायर और अवेल ऑफ एनी गुड्स और एज द केस मे बी सर्विसेज एज कंडीशन प्रिसीडेंट टू बाइंग हायरिंग और अवेलेबिलिटी ऑफ अदर गुड्स और सर्विसेज इज अ रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस. सो बेटा थक गए हो? तो मस्त. ठीक है, जो लोग नए हैं